हेलो स्टूडेंट, क्लास नाइन्थ, सब्जेक्ट मैथ्स। आज बेटा एक्टिविटी फाइव, ठीक है। आज इस एक्टिविटी को हम लोग पॉलीनोमियल से ही सारे एक्टिविटी कर रहे हैं बेटा। आइए इसमें देखते हैं। इसमें फर्स्ट है आपका ऑब्जेक्टिव टू वेरीफाई द एलजेब्रिक आइडेंटिटी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए। ये वेरीफाई आइडेंटिटी आपको करना है बेटा। अब इसके लिए आप क्या करो, ये हार्ड बोर्ड कोई एक या कार्डबोर्ड आप ले सकते हो, ठीक है। कलर्ड पेपर ले लो, एडिचिप ग्लू यानी ग्लू, वाइट पेपर, सीजर्स एंड ज्योमेट्री बॉक्स, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए बेटा, इससे रिलेटेड आप ये कुछ जानते हैं कि स्क्वायर एंड इट्स एरिया, रेक्टेंगल एंड इट्स एरिया, इसके आप एरिया और रेक्टेंगल स्क्वायर ये आप समझते हैं बेटा, ठीक है। तो ये जैसे स्क्वायर है तो स्क्वायर के सभी साइड्स आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे और ईच एंगल 90 डिग्री। ऐसे आपका क्वाड्रिलेटरल है, रेक्टेंगल है, अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल होंगे और ईच एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री। अब इसका एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ, ऐसे एरिया ऑफ स्क्वायर साइड का स्क्वायर, ये हम जानते हैं बेटा, ठीक है। अब आप देखिए इनसे आपको करना कैसे है। एक आप जो है हार्ड बोर्ड ले लीजिए जो सूटेबल साइज का है, ठीक है, और उस पर एक वाइट पेपर हमने पेस्ट कर दिया। फिर फ्रॉम ए कलर्ड पेपर कट आउट ए स्क्वायर ऑफ साइड ए यूनिट, एक ए स्क्वायर यूनिट का एक हमने क्या किया, एक स्क्वायर कट किया, ठीक है। दूसरे में सेकंड में आप देखिए फर्दर कट आउट ए स्क्वायर ऑफ सेडेड साइडेड यूनिट बी लेस देन ए फ्रॉम एन अदर कलर्ड पेपर, एक दूसरे कलर्ड पेपर से आपने इसको दूसरा जो इससे थोड़ा छोटा आप बना सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा ये बी स्क्वायर का एक डिफरेंट कलर का स्क्वायर हमने बनाया। ऐसे सी में ये दूसरा एक फिर थर्ड कलर का एक जो है जो आपका सी है वो बी स्क्वायर से भी छोटा ले लें। तो इस तरीके से एक सी स्क्वायर का हमने क्या किया, ये स्क्वायर बनाया सी लेंथ की साइड का, ठीक है। तो तीन ये शेडेड आपके स्क्वायर हो गए, ठीक है, डिफरेंट टाइप के। अब आप देखिए बेटा इन्हीं से करना क्या है, दूसरा आप रेक्टेंगल बनाना है जो ए इंटू बी, मतलब एक आपका ए लेंथ हो गया और बी ब्रेथ हो गया, जो दोनों स्क्वायर आपने बनाया है उनसे उसी टाइप का। जैसे फर्स्ट स्क्वायर लिया तो उसकी लेंथ हमने ए ले लिया, सेकंड स्क्वायर लिया तो उसकी लेंथ आपकी बी है, तो ऐसे आप जो है ए इंटू बी, ये दो रेक्टेंगल जो है ए इंटू बी का हम बना लेंगे, कट कर लेंगे, पेस्ट करें, ठीक है। ये आपका डिफरेंट कलर का, ठीक है। अब आप देखिए ऐसे दूसरा बी इंटू सी, ठीक है, बी और सी, बी लेंथ की और सी ब्रेथ की एक जो है जो आपने स्क्वायर बनाया रेक्टेंगल, ये दो रेक्टेंगल बी इंटू सी का हम ये कटिंग करेंगे। ऐसे सी इंटू ए या ए इंटू सी लेंथ की दो रेक्टेंगल और ये कट किया। ये सारे कलर्ड पेपर आप जो है डिफरेंट कलर के लेंगे तो आपको एक अच्छा सा डिज़ाइन भी मिलेगा और आप आइडेंटिफाई भी कर पाओगे कि कौन क्या है, किसके इक्वल आ रहा है, ठीक है। अब आप देखो बेटा इसको एक पेपर पर आप पेस्ट करोगे, ठीक है, जो पेस्ट द स्क्वायर एंड रेक्टेंगल ऑन द हार्ड बोर्ड एज सोन इन फिगर। अब आप देखिए उस जो वाइट पेपर आपका था उस पर पेस्ट किया हमने, क्या किया, एक स्क्वायर लिया उसको पेस्ट किया जो ए स्क्वायर साइड का था, उसके बराबर में बी जो ब्रेथ बी आपने एक ए बी रेक्टेंगल का आपने लिया था उसको जो है यहाँ पेस्ट किया, ठीक है, जो पी ए के साइड साथ में होगा। उसके बाद थर्ड आपने ए और सी के साथ जो लिया था, ठीक है, रेक्टेंगल, उसको आप यहाँ पेस्ट करेंगे।
अब देखो जो ए और सी ये रेक्टेंगल आप जो है यहाँ पेस्ट करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो है आप देखो बेटा ए इंटू बी जो दूसरा स्क्वायर था, ठीक है, दूसरा स्क्वायर रेक्टेंगल जो दूसरा इसका जो दूसरा रेक्टेंगल था उसको हमने यहाँ पेस्ट कर दिया ए इंटू बी, ठीक है। ये बी लेंथ इसकी हो गई और ये आपका इसके साथ ये पेस्ट हो जाएगा, तो ये आपकी लाइनिंग ऐसे मिलती जाएंगी बेटा, ठीक है। अब यहाँ आपका बी स्क्वायर जो स्क्वायर आपका है सेकंड स्क्वायर उसको आप पेस्ट करोगे, ये स्क्वायर इसके पहले है बेटा ये स्क्वायर, ठीक है। इस स्क्वायर को आप कहाँ पेस्ट करोगे, यहाँ पेस्ट करोगे। फिर उसके बाद आपका इसके बराबर में ये बी इंटू सी, ठीक है, जो सेकंड स्क्वायर आप सेकंड रेक्टेंगल थे उसको यहाँ ले आकर के हम पेस्ट करेंगे, ठीक है। तो इसको पेस्ट करने के बाद अब आप आएंगे यहाँ थर्ड में, जो आप ए इंटू सी रेक्टेंगल देखे थे उस रेक्टेंगल को इसके साथ बी के साथ ये हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो उसके बाद आपका बी सी फिर दूसरा ये बी लेंथ की ये है, ठीक है, बी स्क्वायर का, तो बी सी का जो स्क्वायर रेक्टेंगल था उसको यहाँ हमने पेस्ट कर दिया। उसके बाद लास्ट में आपका क्या है ये सी स्क्वायर, ठीक है, जो थर्ड स्क्वायर था उसको यहाँ पेस्ट कर दिया। तो आप देखेंगे कि ये जो है पूरी लेंथ ए प्लस बी प्लस सी इधर भी हो गया और इधर भी आप देख रहे हो कि ए प्लस बी प्लस सी इधर भी हो गया, तो ये आपका एक स्क्वायर बन गया, ठीक है। और इसका जो है यानी ए प्लस बी प्लस सी जो स्क्वायर बना है, एरिया ऑफ स्क्वायर हम जानते हैं साइड का स्क्वायर, यानी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल एरिया ऑफ दिस, ठीक है। इन सारे जो है जो आपने रेक्टेंगल स्क्वायर बनाया इनके एरिया का सम है, ठीक है। अब आप देखिए बेटा वही सारी चीज़ें यहाँ जो है आप डिमॉन्स्ट्रेशन में करेंगे, ठीक है। जैसे लिखेंगे इसमें क्या है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो अभी हमने बताया, सम ऑफ एरिया ऑफ ऑल द स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स विच आर, ठीक है, सबके एरिया को ऐड कर लिया। तो इस तरीके से ये आपका एक्टिविटी, ये जो एक्टिविटी था ये हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें आपको वेरीफाई करने के लिए कैसे करोगे, तो कोई एक निश्चित नंबर लेकर के आप करिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए ए हमने आपका 5 ले लिया, बी आपने हमने 3 ले लिया और सी 2 ले लिया, ठीक है। तो सबको इसी तरीके से स्क्वायर रेक्टेंगल बनाने के बाद आप पेस्ट करेंगे और आप देखेंगे कि हाँ इनका एरिया इन एरिया के इक्वल आएगा, ठीक है बेटा। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखना है। ये आपका जो है क्या आइडेंटिटी या रिजल्ट आपका मिल जाएगा जो वेरीफाइड हो गया, ठीक। अब एप्लीकेशन इनका कहाँ हम कर सकते हैं, दिस आइडेंटिटी मे बी यूज फॉर कैलकुलेटिंग द स्क्वायर ऑफ ए नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस एज ए सम ऑफ 3 कन्वीनियंट नंबर्स, सिंप्लीफिकेशन, फैक्टराइजेशन ऑफ एलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इनका इस आइडेंटिटी का इन सब में हम यूज करते हैं, ठीक है बेटा। अब आप देखिए कुछ इससे रिलेटेड वाइवा हैं, वाइवा से रिलेटेड ये 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके पूछे भी जा सकते हैं, तो इसको भी आप ध्यान में रखो बेटा। जैसे ये आप फर्स्ट क्वेश्चन है, इज द आइडेंटिटी दिस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होल्ड फॉर आर ऑल रियल वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी, ठीक है। तो इसका आपका आंसर क्या होगा बेटा, यस, ठीक है, सारे रियल वैल्यू के लिए ये होल्ड करेगा। ऐसे आप देखिए सेकंड है, विच आइडेंटिटी शुड बी यूज टू एक्सपेंड दिस, तो ये 3x माइनस अंडर रूट वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर के लिए कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए बेटा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट डू यू मीन बाय ए पॉलीनोमियल। अब पॉलीनोमियल से आप क्या समझते हो? एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड हैव ओनली नॉन नेगेटिव इंटीजर्स पावर इज कॉल्ड ए पॉलीनोमियल। ठीक है, तो ऐसे बेटा आप इन सारे क्वेश्चंस को पढ़ोगे और समझ करके आप अपने ध्यान में भी इनको रखना है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर फोर है, व्हाट डू यू मीन बाय जीरोज ऑफ ए पॉलीनोमियल। अब आप जो है पॉलीनोमियल के जीरोज से क्या समझते हैं? इफ पी एक्स इज ए पॉलीनोमियल देन ए रियल नंबर के इज सेड टू बी जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल पी इफ पी के इक्वल जीरो। अगर वो एक्स की वैल्यू जो के है ये पॉलीनोमियल्स में पुट कर दिया जाए तो पॉलीनोमियल्स की वैल्यू जीरो आनी चाहिए, तो उस नंबर्स को हम क्या कहेंगे? जीरोज। ठीक है, जैसे यहाँ के है। क्वेश्चन नंबर फाइव है, व्हाट डू यू मीन बाय ए ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल्स का मतलब थ्री टर्म होने चाहिए। ठीक है, ये पॉलीनोमियल विथ थ्री टर्म इज कॉल्ड ए ट्राइनोमियल। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, इज द एक्सपेंशन ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड ट्राइनोमियल। ठीक है, अब ये आपका जो है इसका जो एक्सपेंशन होगा क्या वो ट्राइनोमियल है? ठीक है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? नो, क्योंकि इसमें जब एक्सपेंड करेंगे इसको कितने टर्म आपके आएंगे? सिक्स टर्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेवन है, राइट दी कंडीशन दैट दी थ्री वेरिएबल इन आइडेंटिटी। अब आप देखिए ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर दिस शुड बी रिटन इन टू वेरिएबल्स फ्रॉम एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई। ठीक है, आप देखिए इसमें हम टू वेरिएबल राइट द कंडीशन दैट द थ्री वेरिएबल्स इन आइडेंटिटी। ठीक है, अब इनको कंडीशन में हम लोग कैसे लिख सकते हैं? जैसे मान लीजिए आपका जो है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, जैसे ये करते हैं। ठीक है, अब आप देखिए इसमें आंसर इसका एनी वन ऑफ द वेरिएबल इन द आइडेंटिटी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर दिस यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए शुड बी जीरो। ये क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। ठीक है, अब आप देखो बेटा क्वेश्चन नंबर एट, इफ वी टेक ऑल द वेरिएबल्स आर इक्वल इन द आइडेंटिटी। अब आप इसमें कैसे करेंगे? इफ वी टेक ऑल द वेरिएबल आर इक्वल इन द आइडेंटिटी, ये सारे वेरिएबल आपके इक्वल हो जाए। ठीक है, यानी ए इक्वल बी इक्वल सी हो जाए। ठीक है, तो इसमें आपका ये क्या बनेगा? ये वन वेरिएबल और क्यूब बन जाएगा। व्हाट इज द नेम ऑफ द सॉलिड फिगर इन विच इट गिव्स आउट ए क्यूब ऑफ वन वेरिएबल। तो यस, इसका आंसर आपका क्या होगा बेटा? क्यूबॉइड सॉलिड, ये फिगर आप क्यूब का बना सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये आपको ध्यान में रखना बेटा। ठीक है, तो आज इतना ही। थैंक यू बेटा।